जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, लिटिल स्वेलो किंग से पूछता है, किंग अब हम उस आदमी को देंगे क्या? अब तो आपके पास डायमंड है ही नहीं। वो किंग कहता है, अभी हमारे पास डायमंड और हैं। मेरी आंखों को देखो, ये ब्लू सफायर से बनी हुई है। वो लिटिल स्वेलो बोलता है, क्या आप अपनी आंख डोनेट करोगे? फिर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको पता तो है ना। किंग कहते हैं, हाँ मेरे पास अभी एक आंख और है, मैं उससे देख सकता हूँ। वो लिटिल स्वेलो इस काम को करने के लिए मना कर देता है, लेकिन द हैप्पी किंग उसे बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और फाइनली वो लिटिल स्वेलो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लिटिल स्वेलो किसी तरीके से बहुत मेहनत करके किंग की आई से वो ब्लू सफायर्स निकाल लेता है और उसे जाके उस राइटर को दे देता है जो ठंड की वजह से अपनी स्टोरी नहीं लिख पा रहा था। अब वो लिटिल स्वेलो इजिप्ट की वो निकलने ही वाला था कि तभी वो सोचता है कि यार क्यों ना किंग को गुड बाय बोल दिया जाए। वो लिटिल स्वेलो किंग के पास जाता है और किंग को कहता है, गुड बाय किंग, अच्छा मैं चलता हूँ। तभी किंग उसे रोकता है और कहता है, लिटिल स्वेलो क्या तुम प्लीज मेरे लिए एक दिन और रो सकते हो? मुझे सामने एक लड़की दिखाई दे रही है जो मैचस्टिक बेचती थी, पर उसकी सारी की सारी मैचस्टिक गटर में गिर गई है और अब वो उन मैचस्टिक्स को नहीं बेच सकती। लेकिन अगर वो अपने घर बिना पैसे ले गई तो उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ज़्यादा बीट करेंगे, तो क्या तुम प्लीज़ मेरी एक मदद कर सकते हो? उस लड़की के पास जाके मेरी आँख का दूसरा स्टोन, दूसरा सफायर जाके दे सकते हो? इस बार लिटिल स्वेलो कहता है, नहीं किंग, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपकी एक आई टू डोनेट कर दी, लेकिन अगर मैं आपकी दूसरी भी आई डोनेट कर दूँ तो आपको फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो किंग कहता है, यार ऐसी आई का करना ही क्या है जो किसी के काम ना आ सके। और फाइनली वो लिटिल स्वेलो से अपनी दूसरी आई को भी उस लड़की को दिला देता है जिसकी सारी की सारी मैचस्टिक्स गटर में गिर गई थी और अब वो किंग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस किंग को लगा था अब वो लिटिल स्वेलो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो वापस आता है। वो आता है और किंग के शोल्डर से बैठ जाता है और किंग को कहता है, फ्रेंड मैं वापस आ गया। किंग कहता है, अब तुम जा सकते हो, तुमने मेरा काम कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो लिटिल स्वेलो कहता है, नहीं किंग, आपने इस किंगडम के लिए बहुत कुछ किया और अब ये मेरी चांस है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। मैं यहीं आपके पास रहूंगा और आपको इस पूरे किंगडम की सारी बातें बताऊंगा। और फिर किंग और वो लिटिल स्वेलो फ्रेंड बन जाते हैं और वो दोनों आपस में एक साथ वहीं रहने लगते हैं। वो लिटिल स्वेलो किंग को सारी स्टोरीज सुनाता था, वो कहाँ कहाँ गया, क्या क्या किया। लेकिन एक दिन किंग उससे कहता है कि तुम मुझे सारे जगहों की स्टोरी सुनाते हो, पर क्या तुम मुझे मेरे किंगडम के ऊपर उड़कर मेरे किंगडम की स्टोरी बता सकते हो? यहाँ लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं? तभी वो लिटिल स्वेलो उड़ जाता है किंगडम की ओर। और शाम को जब वो वापस आता है वो किंग को बताता है, किंग आपका किंगडम पूरा का पूरा दो हिस्सों में बटा है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा अमीरी है। जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों को लगातार और ज़्यादा पॉवर्टी की ओर ढकेलते जा रहे हैं और खुद ऊपर उठते जा रहे हैं। वो लिटिल स्वेलो कहता है, मैं एक ब्रिज के ऊपर से उड़ रहा था कि तभी मैं देखा कि दो गरीब बच्चे जो बहुत दिनों से भूखे थे वो एक ब्रिज के नीचे किसी तरीके से परे हुए थे ठंड से बचने के लिए, लेकिन तभी एक रिच मैन आता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो किंग कहता है, यार हम उनकी मदद कर सकते हैं। लिटिल स्वेलो कहता है, किंग अगर आप अलाइव होते तो हम अभी बेशक उनकी मदद कर पाते, लेकिन अब हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। किंग कहता है, एक सेकेंड, अभी भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। तुम देखो मेरी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग है, क्यों ना तुम मेरी बॉडी से धीरे 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 पूरा गोल्ड निकाल लो और उन गरीब बच्चों को, उन गरीब लोगों को जाके डोनेट कर दो जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लिटिल स्वेलो पहले तो तैयार नहीं होता है, लेकिन द हैप्पी किंग की बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद फाइनली वो लिटिल स्वेलो किंगडम के सारे लोगों को किंग की बॉडी से गोल्ड उतार उतार के सबको जाके डोनेट कर देता है। अब धीरे धीरे किंग की बॉडी ग्रे होने लगी थी क्योंकि गोल्ड की सारी प्लेटिंग किंग की बॉडी से किंगडम के लोगों को डोनेट कर दी जा रही थी और धीरे 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 किंग की बॉडी में केवल और केवल गोल्ड की एक ही प्लेट बचती है और लिटिल स्वेलो उसको भी डोनेट करने के लिए उन बच्चों के पास चल देता है जो ब्रिज के नीचे सो रहे थे। पर जैसे ही वो बर्ड वापिस आ रहा था स्नोफॉल होने लगती है और ठंड की वजह से वो बर्ड वहीं रुक जाता है। तभी वो सामने देखता है एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आग जल रही है। वो ब्रेड के कुछ पीसेस खाता है, अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता है, पर अफसोस वो रेस्टोरेंट का वेटर उसे वहां से भगा देता है।
और अब वो लिटिल स्वेलो उस ठंड भरी रात में बहुत बेकार हालत में था। उसे पता था कि अब मैं किंग तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वो उठता है, बहुत मुश्किल से किंग तक पहुंचता है और किंग को कहता है, फ्रेंड क्या तुम मुझे एक चीज दे सकते हो? वो किंग कहता है, लिटिल स्वेलो तुम्हें तो पता है कि मेरे पास अब कोई भी डायमंड कोई भी गोल्ड नहीं बचा, तो मैं तुम्हें शायद कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। वो लिटिल स्वेलो किंग से कहता है, किंग क्या आप मुझे एक किस दे सकते हो? वो किंग कहता है, यू आर माई लव, कम एंड किस मी ऑन माई लिप्स। और फिर वो लिटिल स्वेलो कहता है, किंग अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वो किंग कहता है, हाँ मैं भी यही चाहता था, तुम इजिप्ट में जाओ, वैसे भी यहाँ स्नो होने लगी है, जल्दी से जल्दी तुम इजिप्ट की ओर अपने फ्रेंड के पास चले जाओ जहाँ वो माइग्रेट होके जा चुके हैं। वो लिटिल स्वेलो किंग से कहता है, नहीं अब मैं इजिप्ट नहीं सीधे भगवान के पास जाता हूँ। और फिर लिटिल स्वेलो की पंख फड़फड़ाती है और वो धीरे धीरे किंग के पैरों के बीच ही उल्टा गिर जाता है। जैसे ही किंग के पैरों से लिटिल स्वेलो की बॉडी टच होती है, तभी द हैप्पी किंग के स्टैचू के हार्ट से कुछ ब्रेक होने की आवाज आई। शायद द हैप्पी किंग का हार्ट पहले की जैसे स्टेबल नहीं रहा। थोड़ी दिन बाद वहां पे उस किंगडम का मेयर आता है और वो कहता है, देखो ये राजा का स्टैचू कितना ज्यादा बेकार हो गया है, ये तो लग रहा है जैसे किसी भिखारी का स्टैचू है, इसके सारे के सारे गोल्ड्स पड़ गए हैं, इसके सारे के सारे डायमंड्स चोरी हो गए हैं। वो अपने सिपाहियों को कहता है, इस किंग की बॉडी को मेल्ट करवा दो और हम उस मोल्टन मेटल का अपने स्वॉर्ड और बाकी सारे हथियार को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और तभी वो मेयर देखता है, अरे ये किंग के पैरों में एक पक्षी मरा हुआ है। और वो अपने मंत्रियों को कहता है, सुनो अभी ये रूल पास करो कि किसी भी बर्ड को एक किंग के पैरों के बीच मरना अलाउड नहीं है। देखो कितना बेकार दिख रहा है, क्या किंग के पैरों के बीच में एक बर्ड मर गया। और वो मंत्री ये नया रूल बनाने के लिए अपने बुक में लिख भी लेता है। फाइनली किंग की बॉडी को पूरा मेल्ट कर दिया जाता है, लेकिन किंग का हार्ट मेल्ट ही नहीं हो रहा था। और फाइनली मेयर कहते हैं कि एक काम करो, किंग के हार्ट को फेंक दो कचड़े में, ये किसी काम का नहीं है। और उसके हार्ट को उसी कचड़े में फेंक दिया जाता है जहां उस बर्ड की बॉडी को फेंका गया था। और फिर किंग और वो बर्ड मरने के बाद दोबारा एक हो जाते हैं। तो बस यहीं पे खत्म होती है लव स्टोरी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।